वेलकम बैक टू भाई माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में स्वागत है। आज हमें देखो कितने भाई लोग मिले हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं और रहते हैं रुद्रप्रयाग में, और ये भी हमारे को मिले हैं यहाँ पे और चोपता दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई लोग, आप कुछ बोलना चाहेंगे कुछ उत्तराखंड के बारे में, सपोर्ट के बारे में बताइए आप। नेचुरल ब्यूटी, बिल्कुल इससे बेहतर जगह घूमने के लिए और कुछ नहीं हो सकती, नहीं हो सकता या तो लद्दाख या तो यहाँ, और बिल्कुल भाई आज आप ही नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बहुत बढ़िया मस्त, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। तो ये है जी भाई लोग, हम सब लोग सब साथ जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं वहाँ पे अलग ही, और कितना अच्छा वादा, कितना बढ़िया, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। तो ऐसे ट्रेनिंग करते करते जा रहे हैं, हमारे को एक भाई मिल गए हैं गाजियाबाद के, बहुत बढ़िया, और ये भी इनका भी यूट्यूब चैनल आने वाला है, बनने वाला है मस्तारा, और गाने भी सुनते हुए जा रहे हैं। देखो एक आवाज में मस्त मलंगा, मस्त मलंगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये देखो कितना हमने भी ट्रेन को चलना है ऊपर को भी, वहाँ चलना है ऋषि ऊपर। बताओ उसका, ये भटिया कुत्ते हैं और इसके गले में स्टील का ये लगा रखा है क्योंकि तेंदुआ इस पे हमला ना कर सके। अच्छा जी, और ये मतलब तेंदुए से बचने के लिए, और ये मतलब उनसे लड़ भी लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, पर क्योंकि कहीं ना कहीं वो पावरफुल है, हमला ना करें इसलिए। मेन चीज गला होता है, गला पे अटैक करता है ना सीधा, तो ये अगर गले में बंधे रहेगा तो अटैक नहीं कर सकता बंदा, बिल्कुल। भाई जी ने हमको ये जानकारी दी अभी, जैसे कि ये बहुत ही देखो कांटे लगे पड़े इसमें, तो बाघ या टाइगर कोई भी जो यहाँ पर रहता है वो अगर इसमें अटैक करेगा तो कुत्ता बचाएगा, अटैक नहीं कर सकता वो ही। ये देखिए आप, ये बहुत बढ़िया चीज़ कुत्ते का हमने यहाँ पर देखा जा रहा है, बहुत बढ़िया भोटिया कुत्ता, जरा अपना मुँह दिखाइयो, ले आजा ये ले, ये रहा शेर, सब में लगा रखा है, सब में लगा रखा है, सब में लगा, वाह वाह वाह, ये हैं नहीं लड़ लेंगे, नहीं लड़ लेते हैं, ये है कुत्ते देखो कितने बढ़िया बढ़िया, देखो वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका भी बड़ा है, स्टील का लगा रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कुत्ते के गले में कितना बड़ा उन स्टील का रॉड लगा रखा है, उसमें कांटे से बने हुए हैं ताकि लेपर्ड आए इनको गले में अटक ना कर पाए, बच जाए। और ये इतने जानदार कुत्ते हैं भोटिए कि ये अटक भी कर, मतलब लेपर्ड से लड़ सकते हैं आराम से। दोस्तों अब मैं यहाँ से जो है चंद्रशिला की ओर जाने वाला हूँ, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी दर्शन करते हुए दिखाया मैंने आपको, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, नीचे मैगी हैगी उसके बाद आएंगे, तो ये भी यहाँ पर जो है दर्शन करेंगे यहाँ पर, और बहुत बढ़िया इनको अच्छा लगा यहाँ, व्यू कितने अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर देखो आने के लिए, बहुत बढ़िया। तो आप भी देखिए हमारा काम दिखाने का है, आपका काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बस गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कर रही है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसा महसूस, आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है।
कुछ बोलेंगे पर्यावरण के नाम पर कुछ बोलेंगे, जैसे कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे पानी की बोतल फेंक के चले जा रहे हैं? ना ना, पर्यावरण ठीक है फिलहाल, अभी तो बनी रहा है तो उसके हिसाब से तो ठीक ही है। लोगों से एक अपील ये जरूर कर दीजिए क्योंकि अपना कूड़ा पर्यावरण के लिए थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखे, जो भी पर्यटक इधर आए जो भी यहाँ पर आए अपना कूड़े को अपने साथ कैरी करेंगे। बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे को आज मैं यहाँ पे तुंगनाथ मंदिर में पहुँचा हूँ, तो मेरे को आज बड़े बड़े सज्जन लोग मिले हैं यहाँ पे, ये हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे। भाई आप कहाँ से आए सर? रुद्रप्रयाग से आए हैं, और इनको भी बहुत अच्छा लगा और मैं इनको अपनी जानकारी दी थी, तो कुछ कहना चाहेंगे सर पर्यावरण के बारे में, कूड़े के बारे में? पर्यावरण के दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हम लोगों ने सबसे पहले जो महसूस किया जी, जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो हम लोगों ने जब मानव की यहाँ पे हस्तक्षेप हुआ है उसके बाद से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पिछले कई दशकों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन जो चेंज मुझे देखने को मिल रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जिन चीज़ों की मनाही थी वहाँ पर आज के डेट में आपकी कैंपिंग हो रही है जी। आप जब कैंपिंग में आप आ रहे हैं तो वहाँ का जो कूड़ा आप डाल रहे हैं उसका सही तरीके से उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। जो निस्तारण करने के बाद में जो उसके बाद में आपने जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई नेचर से आप कुछ ले रहे हो तो आपको भी कुछ उसको देना चाहिए, वो देने के नाम पर आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हमारे को ये होना चाहिए कि हमें खुद से भी जागरूक होना चाहिए, साथ में जो यहाँ पर जो मंदिर समिति के जो भी लोग हैं, मंदिर समिति के भी कुछ प्रयास ऐसे होने चाहिए कि उसमें बायोडिग्रेडेबल बीन्स यहाँ पे रखे जाए कि वो जो भी पर्यटक है उनको एक निश्चित जगह मालूम हो पाए कि वो वहाँ पे ही उसका विस्तार हो जाए। बिल्कुल सही। और फॉरेस्ट के जहाँ तक मैंने अभी बातचीत सुनी और ये सब चीज़ें तो ये सुनने में मिला कि फॉरेस्ट ने इन चीज़ों के लिए मना किया है और सेंचुरी एरिया है। मैं ये पूछना चाहूँगा जो भी ये ऐसे योजनाएं बना रहे हैं जिनकी ये सोच है कि डस्टबिन बनाने से हमारे सेंचुरी एरिया पे फर्क पड़ेगा, तो डस्टबिन रखने से आपका सेंचुरी एरिया बढ़ेगा ना कि उसका कम होगा? जब आपके कूड़ा ये जब फैले से आपकी बायोडाइवर्सिटी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा बजाय उसका निस्तारण सही तरीके से होता है। तो मैं चाहूँगा कि मतलब कि जब अगली बार आए तो सभी लोग जागरूक होते हुए आए, जो अपने साथ में लेके आए हैं जो भी आपका वेस्ट है वो अपने साथ ही वापस लेके जाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इन भाई लोगों ने इनका भी कहना वही था कि जगह जगह पर जो है डस्टबिन इशू होना चाहिए, पर अगर यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अलाउ नहीं कर रहा है, पर अपने साथ एक कैरी बैग ला सकते हैं कि अपना जो कूड़ा अपना डाल सकते हैं और अपना कहीं भी इसको बाहर डाल सकते हैं। तो ये इनका कहना है, ये भी हमारा भी कहना यही था। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम जा रहे हैं यहाँ से चंद्रशिला की ओर, तो आगे का सीन आपको चंद्रशिला के बाद दिखा जाएगा। थैंक यू। तो मौसम का यहाँ पल पल भर पता नहीं चल रहा है कि मौसम। चलो मैं उमेश पांडे, स्वागत है सर। मैं पहुंच चुका हूं यहां पे जो तुंगनाथ मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनके पास पहुंच चुका हूं। थोड़ा सा उनसे मैं यहां के बारे में जानकारी ले रहा हूं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और जानकारी ये है पंडित जी यहां के, पंडित जी आपका नाम क्या सुनना? मेरा नाम संजय मेठानी है। मेठानी जी ये बताइए कि जो ये तुंगनाथ की जो कहानी है कि तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से एक है, तो इसकी विशेषता कब से बनी हुई है, किसने ये बनाया हुआ था? ये जो यहाँ शिवलिंग है ये पांडवों के टाइम से है। अच्छा। मंदिर जो बनाया मंदिर शंकराचार्य जी ने बनवाया था। अच्छा। तो इसकी कहानी ये है, जब पांडव और कौरवों का युद्ध समाप्त हो गया जी, तो भगवान को कहते हैं अच्छा, आपने बहुत पाप किए। अच्छा अच्छा। अच्छा। उन्होंने भाई मारे, गुरु मारे, अपने दादा सब मार दिए थे। हाँ। तो बोलते हैं आप पापी हो, आप एक बार शिव जी के दर्शन कर लो। अच्छा। आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इसी चक्कर में वो केदार खंड में आते हैं शिव जी के दर्शन करने। अच्छा। सारा हिमालय क्षेत्र आ गया जी। तो हिमालय क्षेत्र आ गया तो शिव जी क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि दर्शन नहीं देना चाहते थे पांडवों को, तो बैल का रूप ले लेते हैं। अच्छा। तो बैल का रूप लेते हैं तो शिव जी को मतलब पांडव पहचान जाते हैं कि हाँ यही शिव जी है। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही भीम शिव जी की वो बैल की पूछ पकड़ लेते हैं, अच्छा, तो उनका पूरा शरीर मतलब पूरा शरीर जमीन के नीचे धंस जाता है, सिर्फ एकमात्र पीठ वाला हिस्सा वहीं पर स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाता है। तो वो वहाँ पे केदारनाथ का पूजा मतलब शिवलिंग स्थापित हो गया। दूसरा फिर ऊपर से आकाशवाणी होती है कि आपने मेरे को स्पर्श कर लिया कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा। परंतु मेरे चार हिस्से और जगह स्थापित हो गए, आप उनको ढूंढिए, पूजा कीजिए। तो इसी चक्कर में पहला पीठ वाला हिस्सा वहाँ है, नाभि वाला हिस्सा मधुमेश्वर में, आप यहाँ से उखीमठ जाओगे जी, उखीमठ से रांची गोनार होके मधुमेश्वर पड़ता है, वो 14 किलोमीटर का ट्रैक है जी। फिर ये तीसरे में आगे तुम ना और जाओ, वो भी पंच केदार में ही जुड़ा होगा। हाँ, मधुमेश्वर पंच केदार में है। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर आता है तुंगनाथ में हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। आपको मालूम है चोपता से 3 किलोमीटर की ट्रैक है। बिल्कुल बिल्कुल।
चौथे में आता है आपका रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में मुखमंडल की पूजा होती है जी। और पांचवे में आता है कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में आपके जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर एक ऐसा पंच केदार में ऐसा मंदिर है जो 12 महीने खुला रहता है, 12 महीने खुला क्योंकि वो मंदिर गाँव में है, मंदिर गाँव में। और रुद्रनाथ में कम से कम 22 से 24 किलोमीटर का ट्रैक है। तो इसमें एक मान्यता और है, जो पंच केदार पूरा नहीं कर सकता वो केदारनाथ और तुंगनाथ अगर पूरा कर ले पूरे पंच केदार मान जाता है, पंच केदार मानता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि मैंने केदारनाथ पिछले साल कर दिया और आज इस बार मैंने यहाँ का दर्शन कर लिया, आपका पूरा माना जाएगा, ये पूरा माना जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये कहना है पंडित जी की, बहुत अच्छा उपदेश दिया पंडित जी ने हमको, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं, फोटो खींच लेते हैं, हर वीडियो बना लेते हैं, पर जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए जानकारी हासिल किया है जो कि आप जान चुके होंगे। और ये हमारे यहाँ के भाई साहब हैं, भाई साहब का आपका शुभ नाम? मैं विक्रम रावत हूँ, मैं उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड से हूँ जी। ये तो यहाँ पे सर नाइट स्टे का क्या है यहाँ पर? वो देवस्थानम बोर्ड का अपना गेस्ट हाउस है। अच्छा, अभी इस साल इसको रेनोवेशन का काम चल रहा है। अच्छा, और अगले साल ये सभी जो पर्यटक श्रद्धालु भोलेनाथ के भगत हैं सबके लिए एकदम से बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, अगले साल चालू हो जाएगा। बिल्कुल चालू, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने हमको भी अच्छा वो बताया कि यहाँ पे जो है गेस्ट हाउस चालू होने वाला है, अगले साल तक चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार नज़ारा। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप जानकारी आपको सारी हासिल होगी, अच्छी लगी होगी। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं चंद्रशिला की ओर और फिर वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। और मौसम आप देख ही रहे हैं कि पल पल पर हर 5 मिनट मौसम यहाँ पर चेंज हो रहा है। और तो चलते हैं, निकलते हैं। और पंडित जी के नमस्कार। दोस्तों निकल तो चुके हैं चंद्रशिला की ओर। चंद्रशिला अभी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर होगा। तो ये यहाँ की आपको मेरा व्यू दिखा दो दोस्तों। हिम्मत तो बहुत थी ऊपर जाने की, पर मैं जा रहा था, ये भाई लोग बोल रहे हैं वहीं से आ रहे हैं अभी, तो वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं जो है ऊपर यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ चंद्रशिला के लिए, यहीं तक आ गया। वहाँ ऊपर बारिश हो रही है, बारिश यहाँ भी आने लग गई है और व्यूज़ कुछ आएंगे नहीं वहाँ पे, तो मैंने कर दिया वो कैंसिल। और कोहरा भी जो है आप देख रहे हैं ऊपर को बढ़ता जा रहा है। ये भाई आपका सुन नाम सर आपका? रोहित। रोहित जी आप कहाँ से आए हैं? लेकिन ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है, काफी बारिश हो रही है। हाँ, खतरे से खाली, तूफान आने की, लैंडस्लाइड वगैरह होने लग जाएंगे, पत्थर गिरने लग जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो भैया ने बोला कि ऊपर मत जाइए, 3 आदमी ने मेरे को बोल दिया कि ऊपर मत जाइए। तो एक आदमी बोलता तो मैं फिर भी ऊपर चला गया, दूसरे ने बोला, तब 3 आदमी ने बोल चुके हैं अब मैं नहीं जा रहा हूँ, कैंसिल कर चुका हूँ। तो यहीं से हम लौटेंगे, भाई भी वहाँ से होके आए हैं, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, और मौसम आप देख ही रहे हैं।
यहाँ पर जो रोड डेंजर है देखें, यहाँ पे अभी बारिश हुई थी तो फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो भाई भी यहाँ पे आएंगे बारिश के टाइम पे थोड़ा सा जूते अच्छे लाएं ताकि। तो गाइज ऑलरेडी हमारे यहाँ विदाई का वक्त आ चुका है और ये भाई लोग जो हमको मिले थे बहुत ही अच्छा इंजॉयमेंट किया उनके साथ हमने और इन्होंने हमारे साथ, और उम्मीद है कि दोबारा मिलेंगे और दोबारा ऐसे ही एंजॉय करेंगे। तो ये लोग निकल जाएंगे, स्कूटी से आए हैं और ये निकल जाएंगे अभी रुद्रप्रयाग को, हम जाएंगे अपने होम स्टे को और भाई साहब जो भी अपने होम स्टे को निकल जाएंगे और हम भी अब अपने होम स्टे को निकल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास तुंगनाथ का ये सफ़र। तो अगर तुंगनाथ का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए नज़र लगाते हैं। बोलो जी भैया। कहीं 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 चले।